हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सभी बहुत सही हैं। सर आज ना ये फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है मेरा, जिसमें मैं पूरी तरीके से तीसरी व्हील करके बोलने वाला हूँ। इससे पहले भी एक ब्लॉग हो चुका है जो बेसिकली एक ट्रैवलिंग ब्लॉग था जो बनाया था आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड जन को जो आया था। तो ये फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है बेसिकली। तो आई नो कि हम इतने एंटरटेनिंग नहीं है, बट कोशिश करना। एंड कोई भी ब्लॉग यार अगर होता है तो उसमें मेन तीन चीज़ें होती हैं जो उस ब्लॉग को अच्छा एक ब्लॉग बनाते हैं। तो पहली चीज़ होती है वो कैमरा, सो हम मोबाइल कैमरा से शूट कर रहे हैं। दूसरा क्रिएटिविटी एंड तीसरा स्टोरी टेलिंग। सो क्रिएटिविटी आई डोंट नो कि कितनी है, हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे, हमें सीखना है, सीख ही रहे हैं। एंड रही बात स्टोरी टेलिंग की, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे तरीके से हो सकता है उतना अच्छे तरीके से करेंगे। सो सर अभी जो अराउंड वक्त है वो है आई थिंक 6:21 हो रखे हैं सुबह मॉर्निंग के। एंड हम ट्राई करने वाले हैं बेसिकली हम पुशअप करने वाले हैं। एंड हम ट्राई करेंगे कि हम कितने पुशअप मैक्स मार सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट इन द स्टार्टिंग। और ऐसा नहीं पहले वर्कआउट नहीं किया, पहले वर्कआउट किया हुआ है लेकिन अभी बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया है। सो वी विल ट्राई कि हम कितने पुशअप्स लगा सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट एक बार में। चलिए ट्राई करते हैं इसको भी। यार 40 पुशअप्स लगाए एक बार में। एंड मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया क्योंकि फर्स्ट डे है, तो इस चक्कर में मैंने ट्राई नहीं किया। वी विल ट्राई नेक्स्ट डे फर्स्ट योर फॉर मोर रेप्स। चलो मिलते हैं। सर जिस तरीके से बॉडी का मतलब बॉडी को फिट रखना जरूरी है, उस तरीके से मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है और हमको हर दिन ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। सो वी शुड ट्राई टू रीड बुक्स, जो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमें बहुत सी लर्निंग्स मिलती हैं। एंड हमको हर दिन एहसास होता है कि हाँ हम ग्रो कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए थोड़ी बहुत देर बुक पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं वो है जर्नी टू होम। बेसिकली राधानाथ स्वामी की एक बायोग्राफी है जो उन्होंने फेस किया अपने आप को रियलाइज़ करने के लिए, द पावर जो है उनकी कि अपने आप को जानने के लिए उन्होंने जो जो किया है इंडिया में रह के और बाहर से आके इंडिया में क्या क्या हुआ, क्या क्या रह के पूरी एशिया में वो घूमे फिरे, तो उस सब के बारे में इस बुक में बताया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक या नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हो तो आपको आई थिंक यू शुड ट्राई दिस बुक, ये बहुत ही अच्छी किताब है, एक ऑटोबायोग्राफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी वक्त हो रखा है वो है अराउंड 10 बजने वाले हैं और आई थिंक बुक्स शॉप जितनी भी हैं वो खुल गई होंगी। तो अपने को दो बुक्स लेके आनी है यार, बस आई थिंक दो बुक्स लेके आनी है। एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए, दो बायो की 11th एंड 12th की, उन वो लेने जा रहे हैं। चलते हैं बुक लेके, मिलते हैं, दिखाते हैं कैसी बुक्स हैं। तो चलिए
अब घर पे आ चुके हैं, जो हमें काम था बुक स्टोर से, हम वो बुक स्टोर से लेके आ चुके हैं। वो काम क्या था हमारा, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे को बुक लेनी थी दो एनसीईआरटी की, दोनों क्लास 11th और क्लास 12th की, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी, तो ये दोनों बुक मेरे को लेनी थी, तो मैं लेके आ चुका हूँ। एंड बस आज के वीडियो में बस इतना यार, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, देन कीप एक्सप्लोरिंग।